सरकार के अधीन काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। वह यह है कि राज्य सरकारों ने अब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपने अपने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करना शुरू कर दिया है। शुरुआत दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक से हुई है। कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने लाखों कर्मचारियों के वेतन में 27% तक बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है। मीडिया की रिपोर्ट्स की माने तो कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। रिपोर्ट में बताया गया कि कर्नाटक की सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन में 27% बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसका फैसला किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्नाटक के लाखों सरकारी कर्मचारियों के बढ़े वेतन का लाभ 1 अगस्त 2024 से मिलना शुरू हो जाएगा। पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5% बढ़ोतरी की सिफारिश की है। अनुमान जताया गया है कि इसे लागू करने के बाद सरकारी खजाने पर सालाना 17,440 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 अगस्त 2024 से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने से सरकार के खजाने से करीब 17,440 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ हो जाएगा। वहीं सरकार का कहना है कि वेतन बढ़ोतरी के बाद कर्नाटक के लाखों सरकारी कर्मचारियों की फाइनेंशियल स्टेटस में सुधार आएगा। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य है राज्य के सरकारी कर्मचारियों के मनोबल और प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना। इससे पहले मार्च 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्मचारियों के वेतन में 17% की बढ़ोतरी की थी। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।